चलो इस सेंटर से 3 सेंटीमीटर गैप दो, इस इधर 3 सेंटीमीटर गैप दे दो, 3-4 चलेगा, तुम्हारा पेज बड़ा है तो 4 सेंटीमीटर कर दो, नो प्रॉब्लम। मतलब थोड़ा गैप होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 3-4 सेंटीमीटर गैप दो, बस मेरा कहने का मतलब ये है। इधर दो लाइन, दो स्टैंडिंग लाइन और बनाओ, स्टैंडिंग लाइन। मैक्सिमम जूम करने के बावजूद भी आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, काफ़ी डिस्टेंस पर है इसलिए, तो मैं साइड बाय साइड वीडियो रन करूँगा जिसमें आप लोग क्लियरली देख लीजिएगा। सबसे पहले हमें एक स्टैंडिंग लाइन बना लेना है एज ए गाइडलाइन, बहुत ही लाइटली बनाना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है, ठीक है, एक गाइडलाइन बना लिया। दूसरा एक हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन बना लिया, ठीक है, ये हमारा मेन गाइडलाइन है, इसको हमेशा लाइटली ड्रॉ करना है, ठीक है, क्योंकि ड्राइंग बनाने के बाद इसको मिटाया जाएगा। अभी एक डिस्टेंस पे यहाँ पे एक और मान लेते हैं, आप लोग क्या कीजिएगा, 3 सेंटीमीटर या तो 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर मार्क किया, इस तरफ भी 3 सेंटीमीटर, 6 पे मार्क किया, और इधर दो लाइन और ड्रॉ कर लो, ठीक है। अभी देखिए, अभी इस लाइन को दोनों पैरेलल होने के लिए बस स्केल से देख लेंगे कि इस तरफ हाँ कितना गैप आ रहा है, तो दोबारा इस तरफ मेजरमेंट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा मिल गया 3 गाइडलाइंस। अभी यहाँ पे इसका हाफ ले लेते हैं, हाफ पोर्शन, इसका हाफ पोर्शन में अप्रोक्सीमेटली, और अभी इसका कितना हाफ है या इसको अगर हम जस्ट छोटा इसको डिवाइड कर देंगे, स्मॉल डिवाइड कर देंगे, तो 1-2 अप्रोक्सीमेटली हमें एक मेजरमेंट मिल गया। अभी इसको सर्कल ड्रॉ करना है, स्मॉल स्मॉल छोटा छोटा लाइंस ड्रॉ करना है, ठीक है। अगर सपोज मान लीजिए हमें अगर कोई भी सर्कल हो, सपोज यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, यहाँ पे जो सर्कल ड्रॉ हुआ, यहाँ पे भी अगर लाइन खींचेंगे, हर एक सर्कल कैसे भी हो बट उस सर्कल के ऊपर एक छोटा सा स्ट्रेट लाइन ऊपर में आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, तो कोई भी देखिए हर जगह में छोटा छोटा स्ट्रेट लाइन फिट बैठ रहा है हर एंगल पे, देखो छोटा छोटा स्ट्रेट लाइन जोड़ के एक सर्कल ड्रॉ हो गया, तो इसके कारण हम लोग छोटा छोटा स्मॉल लाइंस ऐड करेंगे, इस कॉर्नर पे स्मॉल लाइंस ऐड करो, इस कॉर्नर पे इस लाइन को डार्कली नहीं करना, ये हमारा रेफरेंस लाइन है, ये हमारा रेफरेंस लाइन है कि समझने के लिए, हाँ ये हमारा कि ये इसका एरिया कहाँ में होना चाहिए सर्कल का, देखो बहुत आसान तरीके से हम लोग एग्जैक्टली सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप लोग सर्कल ड्रॉ करेंगे तो बहुत आसानी से और इजीली आप लोग सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है क्या हमें डिवाइडर चाहिए, ठीक है, तो फ्री हैंड ड्राइंग करने के लिए, सर्कल बनाने के लिए एक बहुत ही इजी तरीका है, तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे एक हम लोगों को ओवल ड्रॉ करना है, इस लाइन का, इस सर्कल का एक पैरेलली एक लाइन बना लेंगे अंडरस्टैंड पर्पस के लिए, आगे तक लेके जाते हैं, और यहाँ से इसका बीचों बीच कॉर्नर से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से इस कॉर्नर से जितना टच हुआ इस कॉर्नर से एक हाफ सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, सेम इसको अप टू यहाँ तक, सब कुछ मान लीजिए आपका
यहाँ तक एक ओवल ड्रॉ कर लीजिए, ओवल शेप। ठीक है, ये सब कुछ आप लोग जो है लाइटली ड्रॉ करना है, डार्क नहीं करना है। ये हो गया। दूसरा, अभी जितना हमारा जो सर्कल का हाइट है, इसका सेम हाइट का यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। हमेशा स्केल से मेजर करना ऐसा जरूरी नहीं है, रफ आइडिया के लिए हम लोग अपने पेंसिल को यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे रख के जस्ट आइडिया कर लेंगे कि हाँ अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक होगा। ठीक है, इसमें स्ट्रेटली एक गाइडलाइंस बना लेते हैं रेफरेंस के लिए, और इसके हाफ पोर्शन में और इसका हाफ का जितना है इधर भी बना लेते हैं। 1 2 छोटे छोटे डिवाइड कर देना है, यहाँ पे एक ओवल शेप बनाएंगे। अभी ओवल शेप बना लेते हैं। ठीक है, चलो अभी मैक्सिमम जो सर्कल है उसका सेम पैरेलल लाइन पे यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं, और इसका हाफ पोर्शन, हाफ का हाफ, ये इसका हाफ पोर्शन है और इसका हाफ पोर्शन यहाँ पे, तो सेम एक और पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं। ये रिलेशन है, एक दूसरे से रिलेशन बना के हम लोग को ड्राइंग बनाना है। हम लोग ऐसे स्केल से भी लाइन को खींच सकते हैं, बट नहीं, स्केल से लाइन नहीं खींचेंगे हम लोग, फ्री हैंड लाइंस खींचेंगे। सबसे पहले सपोज मान लीजिए ये मेरा गलत हो गया लाइन, ठीक है, तो सो दैट आप लोग जो है जो रेफरेंस लाइन है लाइटली बनाओ, लेके जाओ धीरे धीरे, स्लोली लेके जाओ। ठीक है, अभी जो मेन लाइन बनेगा बस ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों को बनाते हैं, एक ही बार में इसको डार्क लाइन नहीं बनाएंगे। दूसरी इस तरफ लेके जाते हैं, ये देखो सपोज ये मेरा लाइन गलत हो गया, ठीक है, तभी क्या करेंगे, दूसरा लेके आते हैं, ये भी गलत हो गया, स्ट्रेट लेके आते हैं। तो ये हमारा एक मेन लाइन मिल गया। ठीक है, अभी इस सर्कल का जो है जितना पैरेलल लाइन है सेम पैरेलल लाइन में यहाँ पे कर्व देना है, सेम पैरेलली कर्व देना है। ठीक है, ओके, चलो यहाँ पे एक हैंडल बनाते हैं, अभी अप टू यहाँ तक लेंगे, 1 2 3 4। इसका थिकनेस है, हैंडल का थिकनेस है, ये नीचे का पोर्शन, ठीक है, दिखाओ, और इसका ऊपर वाला पोर्शन लाइक इट। ठीक है, मैं तो शेडिंग कर देता हूँ अब लोगों को समझने के लिए कि एक्चुअली कहाँ तक होगा ये। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक और दो लाइंस बना लीजिए आगे पीछे करके। ठीक है, यहाँ पे एक ओवल बना लेते हैं, यहाँ पे एक ओवल बना लो। अभी ये देखना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है टॉप में रखना है, उसको पहले बनाना है। ठीक है, ये हो गया। अभी ये टॉप में आ गया, और इसका फिर ओवरलैपिंग करके इसको नीचे से कनेक्ट कर दो इतना।
बस ये इसका नीचे रह गया। ठीक है, जो टॉप में रहेगा उसको पहले बनाना है। अभी ये दो कॉर्नर देख रहे हो, इस दोनों कॉर्नर से हल्का एक गाइडलाइंस और बना लेते हैं। ठीक है, गाइडलाइंस बना के यहां से एक ओवल शेप और बनाते हैं। इस तरह से जो ऊपर की तरफ इसमें हम लोग एक ब्रिंजल बनाएंगे। इसको भी फाइनल बना देते हैं। अब लोग अभी देखो पूरा इसको फाइनल बनाते हुए। तो ये जो है जो पहले होगा उसको पहले बना लेना है, जो टॉप में दिखाना है उसको पहले दिखा लेना है। चलो यहाँ पे भी हम लोग क्या वेजिटेबल बना सकते हैं, यहाँ पे एक टमाटर बना देते हैं। ठीक है, टमाटर बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका, थ्री क्रॉस लाइन हमने यहाँ पे बना लेंगे। उसके बाद जस्ट सिंपली एक छोटा राउंड डालेंगे। राउंड डालने के बाद उसको शार्पली बस जोड़ देंगे। ठीक है, तो आप लोगों का कुछ भी मतलब सवाल है, कुछ पूछना है मुझे कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट जो भी क्लास में उसको सॉल्यूशन करने का पूरा कोशिश करूँगा। सपोज मान लीजिए ये हमारा एक लौकी है। ठीक है, तो ये लौकी का अगर एंडिंग पॉइंट है तो यहाँ से, बट लौकी का जो एंडिंग पॉइंट है यहाँ पे हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से, तो इसको अच्छे से समझ जाइएगा। ठीक है, अभी हम लोग जो भी अगर पेंसिल स्ट्रोक करना है, जो भी स्ट्रोक्स करना है, तो इसी फॉर्मूला से इसी एंगल पे स्ट्रोक्स करना है। अगर अगर हम लोग पेंसिल स्केच करेंगे तो इसी तरह से हम लोग शेड करेंगे। अगर कलर भी करना है वाटर कलर छोड़ के, बाकी सब में आपको इसी रोटेशन में आपको शेडिंग करना है। ठीक है, इस तरह से। अभी ये हमारा एक ड्राइंग का एक डायग्राम बन गया है। ठीक है, तो अभी हम लोगों को शैडो का मतलब सोचना है कि अगर लाइट किस तरफ से आ रहा है। ठीक है, ऊपर टॉप से आ रहा है, थोड़ा साइड से आ रहा है, जो भी एंगल होगा। सपोज यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारा लाइट सोर्स है, ये इस तरफ से लाइट्स आ रहा है, इस तरफ से। तो इस तरफ से लाइट्स अगर आ रहा है तो हम लोगों का जो शैडो कहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, इसका बेस पॉइंट से सेम एंगल पे लगभग जो है इस एंगल पे आ रहा है, तो पूरा ऑब्जेक्ट का हाफ पोर्शन तक, हाफ से थोड़ा ज्यादा हम लोग इस पे शैडो दिखा सकते हैं, हाफ से थोड़ा ज्यादा शैडो दिखा सकते हैं। ठीक है, ये इसका जो मग है, इस मग का शैडो एरिया है इतना पोर्शन। ठीक है, इसको नीचे आ रहा है टमाटर, इसका नीचे है। अभी कितना नीचे है वो भी डिपेंड करेगा, एकदम क्लोज में है तो उसका शैडो अलग बनेगा, अगर थोड़ा सा दूर में है उसका शैडो अलग बनेगा। कैरेट का शैडो दिखाता है लिटिल बिट, यहाँ पे ये कैरेट का इतना पोर्शन शैडो है, और ये थोड़ा सा उठा हुआ है तो हल्का इतना ही दिखाना है।
इस तरह का इस ब्रिंजल का शेडो दिखाना है। तो ये टॉप की तरफ है, इतना ही शेडो यहाँ पे दिखाना है। जो भी है सेम एंगल को मेंटेन करते हुए हमें शेडो को दिखाना है। यहाँ पे मैक्सिमम शेडो रहेगा, ये एरिया मैक्सिमम शेडो रहेगा। कोई भी ड्राइंग में चाहे पेंसिल शेडिंग हो, पेंसिल हो या तो कलरिंग हो, शेडिंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं आपका ड्राइंग का क्वालिटी ऑफ ड्राइंग। अगर आपका ड्राइंग में शेडिंग नहीं है तो ड्राइंग में क्वालिटी नहीं आएगा। तो इसलिए शेडिंग का नॉलेज बहुत ही जरूरी है। तो आज की क्लास में बस यही तक है, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से मतलब डिस्कस करूँगा कैसे इसको पेंसिल शेडिंग या और कलरिंग में, मैं अपने रेगुलर क्लास में बताता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे रेगुलर ड्राइंग क्लास के साथ। यहाँ पे सेपरेटली एक वीडियो बनाने का और एक मकसद है, क्योंकि कंटिन्यू ड्राइंग क्लास में हम अगर रिकॉर्डिंग करके भी दिखाते हैं फिर भी मतलब काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, क्योंकि सबको धीरे धीरे रुक रुक के बच्चों को टाइम देना पड़ता है करने के लिए। इसलिए मैंने सेपरेट वीडियो आप लोगों को रन करके दिखाया। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और रेगुलर कलर्स क्लास में ज्वाइन करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।